हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एक्सरसाइज 8.1 के। सो क्वेश्चन को समझते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे बच्चों। तो डायग्राम जो है कुछ हमारा इस तरह का बनने वाला है, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे ए बी सी एंड आपका डी, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे क्या दिया गया है, इफ द डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो डायगनल जो है इसके ए सी डायगनल इक्वल होगा आपका बी डी के, ठीक है बच्चों। सो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में क्या क्या हमें गिवन है, गिवन क्या क्या हमें, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम जिसमें क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी है, जो कि डायगनल है हमारे, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है बच्चों। टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, इज अ रेक्टेंगल, ओके। सो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी रेक्टेंगल की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, आर इक्वल। तो ये पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड पहले से इक्वल है, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस ये ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जितने भी एंगल्स में दिया, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अगर हम लोग कोई भी एंगल बताओ, अगर हम लोग ये एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं सो ये रेक्टेंगल होगा। अगर हम एक भी प्रूव करेंगे तो उसका अपोजिट भी इक्वल होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। तो हम प्रूव कर सकते हैं इजिली से, अगर हम एक भी प्रूव करेंगे तो भी ये रेक्टेंगल होगा। फिर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों का सम जो है वो क्या 180 डिग्री होगा, ये दोनों इक्वल है, देन उसको करेंगे देन 90 डिग्री के दोनों एंगल आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको बड़ी आसानी से करते हैं। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल, हम लोग ट्रायंगल लेते हैं बी ए डी एंड सी डी ए, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इन दोनों को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, और उससे क्या होगा, एंगल बी एंगल जो ए है वो इक्वल टू आ जाएगा एंगल डी के, ठीक है बच्चों। तो हम इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय सीपीसीटी से, देन हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। तो ये आता है आपका इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना को जो ये आपके जो एंगल जो नाम है बी ए डी एंड सी डी ए, इसको बहुत ध्यान से आपको लेना होता है, ठीक है। बी सी, ठीक है, डी ए एंड डी एंड लास्ट में डी एंड ए, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से इसको नाम देना है, ठीक है। सो यहाँ से आप देखोगे जो बी ए है, जो बी ए है इज इक्वल टू आपका होगा सी डी, ठीक है बच्चों। कैसे होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बच्चों, रीजन जरूर लिखना है, ठीक है। एंड आपका जो है बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए, बी डी इज इक्वल टू होगा आपका सी ए, मतलब आपका जो ये है ये इसमें गिवन भी है, ठीक है, ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में सी डी ए में भी कॉमन है एंड बी ए डी में भी कॉमन है, ठीक है। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है बच्चों, ये क्या है कॉमन, ये है आपका कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सो ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए के, कैसे होगा, कौन से रूल से होगा, बाय साइड 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 रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है बच्चों। सो हम इससे क्या दिखा सकते हैं, हम इससे बता सकते हैं एंगल, ध्यान से देख रहा है, एंगल में पूरा एंगल लिखता हूँ, एंगल बी ए डी, ठीक है बच्चों, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला जो एंगल है जो आपका दे रखा है इसके अंदर, ये वाला एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू होगा एंगल सी डी ए के, ठीक
ठीक है बच्चों, कैसे होगा? बाय सीपी सीटी। ठीक है बच्चों, अगर आप कोई चीज समझाता हूँ, मैं ध्यान से देखना आप, ठीक है। अगर ऐसे कोई दो लाइन है, ठीक है, और ये इस तरह कुछ है, ठीक है, तो इसके जो ये वाले एंगल होते हैं, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। और इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जिनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और दूसरा रीजन इसका लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। सो हम क्या लिखेंगे नाउ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दो लाइनें हैं, ठीक है, इसको एक एक्सटेंड कर देंगे, और ये इसकी ट्रांसवर्सल, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। सो इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, एंगल बी, एंगल ए और डी का, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री के होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो हम यहां पर लिखेंगे नाउ, नाउ जो ए बी है, ठीक है, या बी ए लिख सकते हैं, ए बी जो है वो पैरेलल होगा आपका किसके, सी डी के, ठीक है, पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए डी जो है वो क्या होगा, इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, ट्रांसवर्सल, ओके। एंड सो क्या होगा, एंगल, सो क्या होगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल, सॉरी, प्लस में एंगल सी डी ए, ठीक है बच्चों, प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ओके, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरा रीजन भी हो सकता है, और लिखेंगे इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड या ऑफ द सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। दोनों में से कोई एक रीजन लिख सकते, ये वाला लिख देना आप, इजी रहेगा, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स, ओके। सो यहां से अगर आप देखोगे, अगर हम तो इन दोनों को देखें, ठीक है, तो हम क्या, ये दोनों इक्वल है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी प्लस में इन दोनों, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, टू मेक इट इजियर, मतलब इसको आसान बनाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय में 2, अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का, ठीक है। और मतलब आपका जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का आ गया है। सिमिलरली जो आपका ये वाला एंगल होगा सी डी ए, सो यहाँ से एंगल सी ए, सी डी ए, सी डी ए, ठीक है, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा बच्चों, ठीक है। सो अगर आपके पास ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। सो यहां से हम बोल सकते हैं, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, दोबारा बता भी सकता हूँ, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।